हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा स्टफ नान। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। अब इसमें डालेंगे 3 क्लोव्स, मैंने गार्लिक की ली थी जिसे फाइनली चॉप किया हुआ है। इसको थोड़ा सौते करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची, इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है। मैंने ग्रीन चिली को अच्छे से स्लाइस कर लिया है, और इसको 30 सेकेंड फ्राई करने देंगे। जैसे ही इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ की मैंने वाइट अनियन ली है, कोई भी अनियन, पिंक अनियन ले सकते हैं, और इन सबको फ्राई होने देंगे। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है मैं वो लूँगी 1 टीस्पून, और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि जो जिंजर गार्लिक है उसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती और जो अनियंस हैं वो अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब जैसे ही जो अनियंस है वो सौते हो गए, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कीमा। तो यहाँ पे जो मैंने कीमा यूज़ किया है, कोई भी कीमा आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, चाहे तो चिकन, मटन या फिर बीफ, लेकिन सबका जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, सबका कुकिंग टाइम अलग होगा। तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, अब डाले मैंने इसमें गरम मसाला, और ये मैंने थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। अब इन सबको मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो इन सबको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये सारे मसाले थोड़े अच्छे से भुन जाएंगे मटन में, तो उसके बाद इसमें मैं लिड लगा दूंगी। तो इसे 2-3 मिनट ऐसे ही ओपनली थोड़ा सा मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें लगा देंगे लिड और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिड लगा दिया है, और पूरे 15 मिनट के बाद इससे मैं लिड हटाऊंगी अब। और लिड हटाने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी, सारी चीज़ों को अच्छे से चला लूंगी ताकि ये नीचे से जले ना, और फिर से लिड लगा के इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो इसे मैंने टोटल 20 मिनट कुक किया, 15 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में 20 मिनट, और मैंने इसे ओपन भी 3 से 4 मिनट फ्राई किया था, तो इसे 25 मिनट लगे। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी ढेर ढेर सारी हरी धनिया, इसको चॉप कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसे स्टफिंग को बिल्कुल ठंडी कर लेंगे एक प्लेट में निकाल के, जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद इसको मैं नान बनाऊंगी। तो देखिए जो नान का डो है, तो इसे मैं बनाऊंगी। तो नान की डो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस पर। तो इसके जो मैं बॉल्स बनाऊंगी, तो मैंने इसके इतने में 4 नान बना रही हूँ, और इस स्टफिंग से मैं यहाँ 3 नान बना सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया है डिवाइड, डो को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद इसको रोल करेंगे और उसको एक बॉल का शेप देंगे, पहले स्मूथ कर लेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। तो रोल करने से जो स्टफिंग है बहुत इजीली मैं इस पर फिल कर पाऊँगी, तो मैं इसे थोड़ा सा रोल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इतना रोल किया है, कितना बड़ा देख सकते हैं आप। तो बस इतना बड़ा रोल करने के बाद इसको साइड से स्मूथ करेंगे, और इसमें स्टफिंग जनरसली ढेर सारी स्टफिंग डाल देंगे, ये जितना आपको पसंद हो कम या ज़्यादा। और उसके बाद इसकी साइड्स को पकड़ के इसको मैं फोल्ड कर लूँगी, और जितना एक्सेस
और डो है वो हटा दूंगी। अब इसको दो तरह से मैं बताऊंगी, एक तो आप इसे फिंगर की हेल्प से रोल करेंगे और दूसरा रोलर की हेल्प से। तो पहला तो मैं अपने फिंगर यूज़ करूँगी, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूँगी टॉप पे, और उसके बाद इसे प्रेस करते हुए चारों साइड से इसे बराबर से प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो चारों तरफ रहे, एक साइड ना हो जाए। और उसके बाद ये देखिए, और उसके बाद मैं इसे माइक्रोवेव में बनाऊंगी और गैस पे भी बनाऊंगी और अवेन में भी बनाऊंगी। तो आपको जो सूटेबल लगे, क्योंकि गैस पे भी ये बहुत अच्छा बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ, इसी तरह दूसरा मैं बनाती हूँ। इसको क्या करना है, मैं रोलिंग पिन से इसे रोल करूँगी और इसको मैं फिंगर की हेल्प से नहीं करूँगी बड़े इसकी साइज़। तो ये देखिए मैं इसे रोल कर ले रही हूँ। तो ये देखिए दो तरीके की मैंने नान यहाँ पे बना ली है, इसे भी मैंने रोल कर लिया। अब इसे एक प्लेट में उठा के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं दो तरह की मैंने रोल की है, एक तो मैंने फिंगर की हेल्प से इसे रोल किया था और दूसरा जो है मैंने रोलिंग पिन की हेल्प से इसे रोल किया है। तो दोनों ही अच्छे हैं। अब इसको छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए, डो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए इस पर हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी छिड़क लूँगी ताकि इसे ऑयल की वजह से चिपक जाएगा इजीली। और उसके बाद प्री हीटेड ओवन में इसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, और हो सकता है कि इसको 20 मिनट भी लग जाए। तो आप इसे टोस्ट वाले मोड में जाके अच्छे से इसको टोस्ट करें, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो ये मैंने एक तो OTG में डाल दिया है, दूसरा मैं इस माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। तो माइक्रोवेव प्लेट ले ली है मैंने, उसमें मैंने नान डाल दिया है, और नान डालने के बाद इसे शुरू में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। एक मिनट माइक्रोवेव करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये 1 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैंने लेना है थोड़ा सा तेल, आप देख सकते हैं मैंने आधा चम्मच के करीब तेल लिया है, और इसे अच्छे तरीके से मैं नान के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इससे जो नान है वो ड्राई नहीं बनेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में बिना ऑयल अगर बनाएंगे तो ये थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें अच्छा सा एक ग्रीस आ जाए, ऊपर से एक शाइन आ जाए हमारे नान में। और 1 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये 2 मिनट मैंने एक साइड पे पकाया है, और दूसरा साइड जो है वहाँ पे कलर नहीं आ पाता, तो इसको थोड़ा सा स्लाइटली उठाना है और उसके बाद इसको टर्न कर देना है। तो इससे ये होगा कि दोनों साइड सिक जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे से बिल्कुल अनकुक दिख रहा है, पर ये अनकुक नहीं है, माइक्रोवेव में पकने की वजह से इसमें कलर नहीं आ पाता अच्छे से। तो अब इधर भी थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इधर भी सेक लूँगी ताकि जो अच्छा सा कलर, थोड़ा सा अच्छा कलर इधर आ जाए। तो मैं इसे ग्रिल मोड पे 2 मिनट मैंने पीछे साइड पे पीछे भी सेका है, तो ओवरऑल मुझे 4 मिनट लगे हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है, नान बन के तैयार हुआ है। तो ये तैयार हो गया है। और एक आप अगर ओवन और माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं, और ये गैस पे भी बहुत अच्छा बनता है, आप देख सकते हैं। ये मैंने दो तरीके से बनाई, और एक जो है और बाकी है। आप ये देखिए हाफ कुक, यानी एक एक मिनट दोनों साइड सेक लें, और ये जैसे ही अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक, तो आप इसे तवे पे क्रिस्प कर लें। तो मैंने ये देखिए इस बार इसे अनकुक यानी हाफ कुक करके माइक्रोवेव से निकाल लिया है, और बाकी मैं इसको गैस पे सेकूंगी। तो ये देखिए, तो मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया है, आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। तो एक तो ये देखिए मैंने बनाया, ये गैस पे मैंने बनाया है, गैस पे सेका है इसे मैंने, तो इस तरीके से आया है। और दूसरा जो है मैंने ये देखिए माइक्रोवेव में बनाया है, और
तीसरा मैंने बनाया है OTG में। तो देखिए तीनों नान बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत टेस्टी नान बनके तैयार हुई है। आपको जहाँ ज़्यादा बेटर लगे वैसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।